ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया बुधवार को सरायपाली पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों की सौगात दी। सरायपाली पहुंचे नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने 50 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। इन विकास कार्यों में 22 विभिन्न समाज के सामाजिक भवन, गौरव पथ, पशु वाटिका, कर्मचारी आवास और नवीन नगर पालिका भवन शामिल हैं। इस मौके पर नगरीय निकाय मंत्री डहरिया ने कहा कि पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सरकार पर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल में जनता को छलने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है, इसलिए सबसे ज्यादा किसानों के धान का रेट दिया गया। आज सरायपाली में लगभग 50 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरे देश में अच्छा काम कोई राज्य कर रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य है, और मूलभूत सुविधाएँ जो गुणवत्तापूर्ण मिले इस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। इसी कड़ी में आज यहाँ सरायपाली में लगभग 40 करोड़ रुपया से अधिक के गौरव पथ है, जिसकी मांग 15-20 साल से की जा रही थी, पूरा नहीं हो पाया था, उसको हम लोगों ने अभी पूरा किया। काम जल्दी प्रारंभ हो जाएगा और सौधी समाज के लोगों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है और अन्य जो कार्य हैं वो भी सारे कार्यों का पूजन किया गया है और बहुत जल्दी ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विकास के मामले में हमारी सरकार जो है सबसे बेहतर काम कर रही है, इसलिए आज यहाँ सभी समाज के लोगों की उपस्थिति थी और सभी समाज के लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है। उन लोगों ने कहा है कि हम आने वाले समय में 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और दिल्ली में फिर कांग्रेस की सरकार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।